तो गाइस काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं हो रहा था और फाइनली आज रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बिल्कुल सिंपल होने वाला है, ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखो, लेकिन स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपको पता है ये जो आज का टॉपिक है ना, आप लोगों की डिमांड है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें आपको पता चल चुका है कि मेरा जॉब हो चुका है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि भैया आपका जॉब कैसे लगा, क्या प्रोसेस था इंटरव्यू का, या क्या प्रोसेस था, पूरा प्रोसेस हमें जानना है, पैकेज कितना है और कौन सा डोमेन है, सब कुछ जानना है। तो आज इन सारे चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को दिल से शुक्रिया, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किया और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ सारे कमेंट का मैं रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन आजकल कमेंट का रिप्लाई करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। फिर भी मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करूंगा, लेकिन हाँ रिप्लाई जरूर कर दूंगा। बाकी बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक। तो भाई सबसे पहले मैं जो कोर्स कर रहा था वो था जावा कोर्स, और जावा में मैंने कोर जावा लिया था, एडवांस जावा लिया था और स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस, मैंने वो सारे कोर्स परचेस कर लिया था और उसमें से मैंने कोर जावा मतलब कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ लगभग जितना इंटरव्यू में आता है और मतलब नॉलेज के लिए वो मैंने कोर जावा कर लिया था। और एडवांस जावा में बेसिक मुझे पता था, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था लेकिन बेसिक हाँ मुझे आइडिया आ गया था। और स्प्रिंग मैंने शुरू करने वाला था और अभी तक मैंने स्प्रिंग शुरू भी नहीं किया है क्योंकि उससे पहले मेरा जॉब लग गया। तो ये सारे कोर्स मैंने परचेस किया था, बाकी मैंने फुल स्टैक ज्वाइन नहीं किया था, मैं सेपरेट कोर्स ज्वाइन किया था। और जैसे कि आपको पता है मैं करता था नरेश आईटी में, लेकिन मेरा जॉब हुआ मतलब रेफरेंस था 360 डिग्री। जो लोग नरेश में सेपरेट कोर्स करते हैं उनको पता होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू हो कुछ प्लेसमेंट उनका मिलता है, लेकिन मैं मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर गया था, रिसेंटली क्वालिफाई किया था और कुछ क्लास भी मैंने अटेंड किया था, फिर बाद में मेरे को ठीक नहीं लगा और मैं छोड़ दिया था। बाकी ये तो हो गया नरेश के बारे में, अब बात करते हैं 360 के बारे में। अगर आपने मेरा 360 वाला ब्लॉग नहीं देखा है वहाँ पे कोर्स कैसा है, प्लेसमेंट कैसे मिलता है, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आपको जाके चेक कर लीजिए। तो नौकरी पे 360 का एक पोर्टल था जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था और वहाँ से मुझे जब भी उनका कोई ड्राइव होता है जहाँ पे वो आउटसाइड स्टूडेंट को अलाउ करते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वो सारे इंटरव्यू के लिए मुझे मेल आ जाता था। और ये जब मुझे ऐसे ही मिला है तो जो इंटरव्यू था उसमें रिक्वायरमेंट ये था कि बैकएंड में जावा था और फ्रंटएंड में रिएक्ट जेएस था। और जैसे कि आपको पता है मैं जावा में कोर्स ऑलरेडी कर चुका था, तो इस वजह से मैंने जावा चूज किया। बाकी इंटरव्यू का दो राउंड था, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, और फर्स्ट राउंड उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन मेरे लिए डिफिकल्ट था क्योंकि वो सारे इजी क्वेश्चन भी कभी कभी बार मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में तो मुझे ये बोला गया है कि 3 मिनट तक कंटिन्यूसली आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है और आप जहाँ से बिलोंग्स करते हो उस जगह के बारे में आपको बताना है। तो 3 मिनट तक कंटिन्यूसली बोलना खास करके मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक्सप्लेनेशन ना मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। आपने बहुत सारे वीडियो में भी देखा होगा जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ना उसमें थोड़ा सा मैं मतलब कम ही रह जाता है। मैं खास करके मैं खुद अपना वीडियो रिव्यू करता हूँ और उससे मुझे ये पता चल रहा है और भी अच्छा हो सकता था। तो अब कुछ भी करके मुझे 3 मिनट तक ये कंटिन्यूसली मतलब मेरा इंट्रोडक्शन देना था और साथ में मैं ओडिशा से बिलोंग्स करता हूँ तो ओडिशा के बारे में कुछ बोलना था, तो वो मैंने किया। और इसको करने के बाद इंटरव्यू को ये पता चल गया था कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल खराब है। नॉर्मली कम्युनिकेशन का मुझे ये प्रॉब्लम है कि जो भी मैं प्रोनाउंस करता हूँ ना वो एग्जैक्टली मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। जो भी चीज़ है मुझे पता है ये चीज़, लेकिन जब मैं प्रोनाउंस करता हूँ वो कुछ और कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद इंटरव्यू को ये पता चल चुका था कि मेरा प्रोनाउंसिएशन स्किल थोड़ा सा लो है। ये तो हो गया कम्युनिकेशन स्किल, अब टेक्निकल स्किल की बात करते हैं। टेक्निकल स्किल का ये था कि मैंने जावा में बहुत सारे चीज़ें पढ़ लिया था जैसे कि ऊप्स कंसेप्ट, एक्सेप्शन, कलेक्शन, मल्टीथ्रेड, ज़्यादा कुछ पता नहीं था, ये सारे चीज़ें पढ़ लिया। लेकिन जब इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा तो मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि ये सारे चीज़ें मैं रट्टा मार के गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमन होते हैं जहाँ भी जाओ आपको इन सारे चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आता है। लेकिन इंटरव्यूअर ने जो क्वेश्चन पूछा मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि वो सारे बेसिक क्वेश्चन थे। और फिर मैंने सोचा ये सारे क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं, फिर कुछ भी करके मैंने आंसर दिया
कुछ क्वेश्चन का मुझे एग्जैक्ट आंसर पता था और कुछ क्वेश्चन का मुझे एग्जैक्ट आंसर पता नहीं था। तो जिसका एग्जैक्ट आंसर मुझे पता था वो सारे मैंने लिख लिया, जिसका पता नहीं था वो जो आता था वो मैंने लिखा। और फिर लास्ट में मुझे ये पता चला कि मेरा टेक्निकल स्किल भी खराब है। जो इंटरव्यूअर थे मेरे, उन्होंने बोला कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी खराब है, आपका टेक्निकल स्किल भी आपका पोर है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप रूम में जाके आपके रूममेट से बात करो, इंग्लिश में बात करो, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि आपको मतलब ज़िंदगी भर आपको हो हेल्पफुल रहेगा। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल को आप पहले इम्प्रूव करो, देन टेक्निकल स्किल को भी साथ में इम्प्रूव करो, और ऐसा बोल के भेज दिया मुझे। अब मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ या मैं तो रिजेक्ट हो गया। और फिर मैं बाहर भी आया और जो 360 के जो HR थे उनको बोला कि मैम, उन्होंने ऐसा बोला मेरा टेक्निकल स्किल खराब है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी खराब है, तो अब मैं जा सकता हूँ या मुझे वेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि जस्ट वेट, आई विल चेक। तो उन्होंने जाके चेक किया और फिर 10-15 मिनट के बाद आके बोले कि आप सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। और ये बात सुन के मुझे टेंशन लगने लगा, क्योंकि मैं जितने भी इंटरव्यू इससे पहले दिया था फर्स्ट राउंड में ही मैं कट जाता था, सेकंड राउंड तक मैं जाता ही नहीं था। तो इसमें जब मैं सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया, अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है सेकंड राउंड में क्या होने वाला है। क्योंकि नॉर्मली टेक्निकल राउंड, फास्ट टेक्निकल राउंड पे ये होता है कि आपको जो भी थ्योरी है उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, और सेकंड राउंड पे जो जितने भी प्रोग्राम्स है वो सेकंड राउंड पे टेस्ट होता है, और फिर बाद में आता है HR राउंड। और अभी सेकंड राउंड में प्रोग्रामिंग होगा, तो प्रोग्रामिंग में मैं थोड़ा सा वीक हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है। बोलूँ तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया था, सिर्फ कुछ बेसिक्स प्रोग्राम मैंने प्रैक्टिस कर लिया था, बाकी जो भी मतलब मैंने जितने भी जावा में पढ़ा था वो सारे प्रोग्राम्स मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक बात है और जब प्रोग्राम करते हो ना वो दूसरी बात है। थ्योरी आप एक घंटे में एक चैप्टर ख़त्म कर सकते हो, लेकिन एक प्रोग्राम आपको वहीं पे 2 घंटा चले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि एक एरर सॉल्व करने के लिए ना कभी कभी 1-2 घंटा लग जाता है, समझ में नहीं आता है क्या एरर है। और फिर लॉजिकल थिंकिंग, डेवलपर बनना चाहते हो तो लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। बाकी ज़्यादा कुछ ना सोच के मैं डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके कुछ प्रोग्राम देख रहा था और फिर मेरा नाम आ गया। फिर मैं सेकंड राउंड पे जाके पहले इंट्रोडक्शन दिया, और इंट्रोडक्शन देने के बाद कुछ सवाल उन्होंने किया और मैंने उसका आंसर दिया। शायद मुझे लगता है 6 या 7 सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था, लेकिन जितने भी सवाल था वो सारे बेसिक्स चीज़ें थे, वो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो सारे सवाल भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जो चीज़ कॉमनली पूछा जाता है वो सारी चीज़ें पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होता है जिससे आपका फंडा स्ट्रांग होता है वो सारी चीज़ें कभी देखते नहीं है। जो लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं वो सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस वजह से मतलब जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो सब पढ़ के जाते हैं, बाकी जो बेसिक्स होते हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो जो भी हो, उन्होंने जितने भी क्वेश्चन किए वो शायद 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ के मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। और सारे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड मेरा थोड़ा सा खराब गया जैसे कि आपको मैंने बोला, इसी तरह मेरा सेकंड राउंड भी खत्म हो गया। और 2 टेक्निकल राउंड के बाद 3rd राउंड होता है HR राउंड, जिसमें आपका सैलरी डिस्कशन रहता है, लेकिन वो सारी चीज़ें शुरुआत में ही बोल दिया था हमें, आपका 2 साल का बॉन्ड रहेगा, फर्स्ट ईयर का आपका पैकेज 2 लाख समथिंग रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड 3 महीना है और 3 महीने में पैकेज आपका थोड़ा सा कम रहेगा, फिर बाद में 9 महीने के लिए आपका पैकेज 2 लाख समथिंग रहेगा, फिर नेक्स्ट ईयर आपका पैकेज 4 लाख समथिंग रहेगा। तो गाइस यही था पूरा प्रोसेस इंटरव्यू का, और मैंने जितने आसानी से आपको बोल दिया ना उतने आसानी से कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जितना हाई होता है उतना ही अच्छा होता है, साथ में आपका नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट हाई होगा और नॉलेज आपका 0 होगा तब कोई मतलब भी नहीं रहेगा उसका। तो नॉलेज में भी आपको अच्छा होना है और साथ में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, देन आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तैयार हो चुके हो। नॉर्मली मैं ऐसा ही सोचता हूँ। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा कुछ ऐसा प्रोसेस था आपके साथ यही मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं जितने भी इंटरव्यू दिया है कहीं पे मैं रिटर्न में रिजेक्ट हो गया, और मेरा जो पहला इंटरव्यू था वो तो आप सोच भी नहीं सकते। मैं मतलब ऐसे बैठा था और उस वक्त मेरे पैर बिल्कुल कांप रहे थे, बिल्कुल पसीना आ रहा था, मतलब हो भी एक दिन था जब मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और फिर धीरे धीरे मैं अप्लाई करने लगा, इंटरव्यू जाने लगा। जब भी मुझे कोई भी नौकरी पे कॉल आता है तो मैं कोई भी वॉकिंग हो या कुछ भी हो मैं कभी मिस नहीं करता, मैं जाता हूँ चाहे पैसा खर्चा हो,
अगर जाते हो ना, आपको एक आइडिया आ जाता है इंटरव्यू कैसा होता है, कैसा क्वेश्चन आता है, वो सारी चीज़ें आता है। आप कभी भी ये मत सोचो कि वाकई है जाऊंगा रिजेक्ट कर देंगे, मेरा पैसा खर्चा होगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा कभी भी मत सोचना। जो भी वाकई है वो अटेंड करो, आपको आइडिया आ जाएगा कैसा इंटरव्यू रहता है, कैसा क्वेश्चन रहता है। और भी एक चीज़ रहता है, फेस टू फेस इंटरव्यू में जॉब मिलने का गारंटी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उनको पता चल जाता है, आपका स्किल के बारे में उनको पता चल जाता है। जैसे कि मेरे केस में ये हुआ कि फर्स्ट राउंड पे उन्होंने बोला कि आपका टेक्निकल स्किल पोर है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके आओ, आपका कम्युनिकेशन स्किल हो तो ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल मेरा पोर है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं सिलेक्ट हो गया। तो मेरे केस में ये चीज़ था कि उन्होंने मुझे ये खुद बोला था, टेक्निकल स्किल तुम्हारा खराब था, इसका मतलब ये था कि तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट पता था, इस वजह से मैंने तुमको सिलेक्ट किया। तो गाइस यही सब कुछ था, जो कुछ भी आप जानना चाहते थे या जो भी प्रोसेस था वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर लिया। बाकी आपका अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। और भी गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो फ्यूचर में कभी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। तो गाइस होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय गाइस।